सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नंबर 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, गाइडली ने अभी SBI क्लर्क के लिए क्रैकर पैकेज लॉन्च किया है जिसका प्राइस है 299। और अगर इस पर आप कोड यूज़ करते हो RJ12 तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, एंड इसमें होता क्या क्या चीज़ें, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे SBI क्लर्क के प्री के, मेंस के, और साथ में मेंस और प्री दोनों के ही सेशनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और साथ में क्या क्या मिलेगा आपको, जो बंडल PDF होती है इनकी 50 डेज़ की, वो दोनों मिलेंगी, प्री के लिए भी 50 डेज़ और मेंस के लिए भी 50 डेज़। और साथ में आपको GA के लिए स्मार्ट क्विज एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, और टॉपिक टेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, लेना चाहता है, तो आप ले सकते हो। बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आएगी इंग्लिश। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश इसको सेलेक्ट करते हैं और आई एम रेडी टू बिगिन। यहाँ से इसको कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन, और RC हम करेंगे बाद में। इसमें देख लेते हैं कुछ है क्या, टोन हमें बतानी है, ये बाद में देखेंगे। सेंटेंस का हम देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, नोटेबली टू राशन द कंजम्पशन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एमिनस द सर्जिंग डिमांड फॉर पावर टू हैव फैंस इन चाइनीज बिजनेसेस। अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स दिस समर द कंजम्पशन ऑफ बी के बाद ये ई आएगा, है ना, या फिर एक सेकेंड, अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स दिस समर, ए तो आएगा नहीं दिस समर, 4 सी भी नहीं आएगा, बच गया डी और ई। सो बी के बाद दिस वे हीट वेव दिस समर हैव प्रॉम्प्टेड सेवरल चाइनीज प्रोविजन, ए बी ओ डी, बी डी इधर है, बी ओ डी एक इसमें भी है, बी ओ डी इसमें भी है। आगे देखते हैं, बी डी के बाद ए है, राशन द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मिस्ड द सर्जिंग डिमांड फॉर पावर टू, ये सही लग रहा है मुझे। ठीक है, कैन रिप्लेस द स्टेग्नेशन, द नेशन बियर विटनेस टू ए क्रिपलिंग कॉकटेल टू क्लाइमेट एवेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या फिर हाँ डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टैग्नेशन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं आगे है, द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बी के बाद ये डी ही आएगा। बी ओ डी किस किस में है, एक इसमें है, एक इसमें भी है, लास्ट तीनों में ही है। आगे देखते हैं, बी ओ डी प्लेटफॉर्म वर्कर्स बट ए ईयरली ड्रोन द वेलफेयर, ये तो आएगा नहीं, ईयरली ड्रोन द लाइन। सो बी डी और फिर सी, बी डी और सी ये रहा, बी डी और सी इसमें भी, इन दोनों में से एक होगा, यानी कि फिर है ई और ए है, ए और ई है इसमें। तो हमारा क्या था,
ई कहाँ है? ई नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड वॉज ऑल्सो टू बी सेटअप फॉर ए, और सी में इसने अरे बताया द लाइन नथिंग हैज हैपन्ड। नेक्स्ट वाला क्या बनना है? नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड वॉज ऑल्सो टू बी सेटअप, यही सही लग रहा है मुझे। ये कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सेंटेंसेस गिवन है यार इसमें तो। दे हैव केम टू नो फॉर द रिलायबल सोर्सेस, इसको एक बार देख लेते चलो। रिलायबल सोर्सेस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर एपी लीडर मनीष सिसोदिया क्लेम दैट दैट दे हैव, सो सी और फिर ए, सी और ए एक तो इसमें है, पहला वाला ही एक तो सी और ए, और एक है हमारा लास्ट वाला। फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, सी ए हैव कम टू नो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ 15 पीपल, फिर पीपल द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द दिल्ली पुलिस टू रेड एंड अगेंस्ट देम, सही है ये। फिर है इन विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, ए और ई ये तो समझ में आ ही रहा है हमें, ए और ई, लेकिन ए और ई के बाद एक ये भी है ए और ई, बाकी सब में ही है तो देखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, व्हेन ही स्लेप्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, टेम्पल प्रीस्ट ऑफ स्वामी टेम्पल नॉन फॉर हिज when he slept from A, E and फिर ये भी हो सकता है, सब में ही है वैसे तो। फर्स्ट वाले से देखते हैं, टेम्पल और फिर द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल नॉन पोलिस, ज़्यादा ही भयंकर दे रखे यार ये तो। ये सही है, सी वाला, बी वाला सॉरी, है ना। ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एज प्रूफ और हुज एज वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट, सही है ए और बी एकदम सही है। तो फिर इसका मतलब नो रीअरेंजमेंट आना चाहिए इसका। आगे देखते हैं रिकॉर्डिंग, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड वर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द ओल्ड एज टूरिज्म कैंप टू डिटरमाइन देयर एज इन मेजर रिलीफ ऑफ सीनियर सिटीजन, बन तो नहीं रहा भाई। शुरू वाला तो बनना था ए और बी, ए और बी किसी में है, एक इसमें है ए और बी और एक है डी में, ये बार बार ऐसे क्यों रहा है, एक डी में है और एक इसमें। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिज्यूम कैंप, सो यहाँ पर ए बी और डी, ए बी और डी इसमें भी है, ए बी और डी इसमें भी है। स्टार्टिंग देखनी होगी, स्टार्टिंग दोनों में ही ई से है। इन ए मेजर रिलीफ टू द सीनियर सिटीजन ओवर नोट, ई आएगा
इन द मिडल ऑफ 2023 एलेक्सी रखमानोव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ए और ई, ए के बाद ई, इसमें भी है तो स्टार्टिंग में से तीनों में से ही किसी एक में आएगा ये रखमानोव चीफ सैड डी आएगा नहीं सो ए ई यहाँ से ख़त्म होगा नहीं आई थिंक है ना या फिर हाँ ख़त्म हो सकता है सैड है ना तो ए ई आगे कोई और देखते हैं द फर्स्ट ऑफ द टू एडिशनल क्रिविक क्लास इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड टू इंडिया The first class stealth frigate being built by Russia is expected. ये आएगा अब इसमें क्या बताने टू कॉलम ऑफ द सेंटेंस ऑफ फ्रेजेस हैव गिवन बिलो थ्री कनेक्टर्स और टू रीड द सेम केयरफुली एंड कनेक्ट द सेंटेंस कॉलम वन एंड कॉलम टू He is being investigated regarding his link with drugs peddler. While the drug answer क्या क्या है ओके इस तरीके से आएगा ये ए और फिर वन ए वन लग रहा है एंड द ड्रग सिंडिकेट बस्टेड बाय द ए वन और ए और ई देखते पहले तो ए ई है हमारा इसमें ही है तो पहला ही आना चाहिए इसका तो सीधा सा एक्टर शाहरुख खान 23 इयर्स ओल्ड सन आर्यन खान हैज़ बीन अरेस्टेड बाय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो being catch in the raid of rave party in Mumbai arrested by the narcotic bureau election ये तो आएगा नहीं ये भी नहीं है ए और एफ देखते हैं किस में है बिकॉज नहीं ए और एफ के साथ है सेकेंड आफ्टर बींग कैच इन ए रेड पार्टी एंड सही है ऑल एक्सेप्ट ए ये भी देख लेते एक बार ऑप्शन ए भी हो सकता है बी वन और डी बी का है अर्लियर सेड शी हैज ग्रेसफुल एक्सेप्टेड हर इज द गेम बिकॉज सही है ये आना चाहिए फिर इसका अब पेटीएम ग्रुप हैज़ बिकम 100% बेनिफिशियल ओनर ऑफ मुंबई बेस्ड लीडिंग स्टार्टअप क्रेडिट मेट बिंदा ये तो आएगा नहीं ये भी नहीं आएगा ड्यू टू द ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ द डील वर नॉट वन थ्री ए थ्री और डी ए वन और डी है ए और डी तो कन्फर्म है ही बहुत ये दोनों तो कैसे आ सकते हैं आ ही नहीं सकते 15 का यही होगा फिर ए और डी है दीज पोर्टल्स लिफ्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डोंट शाई from speaking the truth as a petrol price aaya hai ki la government is vehicle vehicle BOD dekhte hain sabse pehle to BOD hai kisi mein BOD hai do mein aur ye bhi hai A aur E bhi hai
आएगा तो इन्हीं दोनों में, लेकिन अभी हमें कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा कौन सा सही है, बी और नॉर्थ इंडियन। एज एक सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट ही है। सिटी डॉक्टर है अज सिटीजन्स टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन द मानसून टू अवॉइड द नेचर, ठीक है, तो ए और ई बनेगा, ड्यूरिंग द मानसून टू अवॉइड, ए वन और ई इसी में सिर्फ है ना, और बोथ ए और बी भी है, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें भी। सो बी और डी ये देख लेते हैं, द रेस्क्यू ऑपरेशन आर अंडर वे, द रेस्क्यू ऑपरेशन आर अंडर वे, विद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स पर्सनल एट द साइट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ डे आफ्टर ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ गर्ल स्टूडेंट किल्ड हिमसेल्फ इन तमिलनाडु, द मदर ऑफ द सस्पेक्ट्स, सो ए ओ डी, तो ये तो कंफर्म है, ए ओ डी है इसमें, तो यही बनना चाहिए फिर तो। द मदर ऑफ द सस्पेक्ट हैज, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, ये वाला मेरा मैंने कर ही दिया था, आगे देखते हैं। एज मैनी 62,000 इलीगल लिक्वर बॉटल वर स्मगल्ड बाय द स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो ऑन सैटरडे, और डिस्ट्रॉयड होना चाहिए। विजिलेंस कमिश्नर सेड दैट स्मगल्ड लिक्वर बॉटल वर डिस्ट्रॉयड, नहीं, द डिस्ट्रॉयड लिक्वर बॉटल वर फ्रॉम अदर स्टेट विदाउट पेइंग ड्यूटी डिस्ट्रॉयड, ए और नहीं, वर स्मगल बाय द सेड दैट द लिक्विड वर डिस्ट्रॉयड, बी और फिर ये आना चाहिए, सी और बी, सेड दैट द डिस्ट्रॉयड लिक्विड बॉटल वर स्मगल्ड फ्रॉम, या फिर ए और सी, ये कर देते हैं फिर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अचीव सक्सेस इन द कर्बिंग द स्मगलिंग ऑफ ड्रग एंड ड्रोन, ए और बी है इसमें। एज इंडिया ऑन ट्यूजडे ट्रिब्यूट 23 ईयर्स ऑफ इट्स विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, ए और सी, द दिल्ली पुलिस बस्टेड एन इमिग्रेशन रैकेट एंड अरेस्टेड टू एजेंट्स ऑफ एन डैश पीपल ऑन द सी ओ डी बनेगा, बाकी दोनों तो सही लग रहे हैं मुझे।
एंड फिर ये क्या है, हाईलाइटेड इन द, हाईलाइटेड पूरा ही कर रखा है इन लोगों ने, नोट करेक्टली। तो करेक्ट हमें करना है, इम्प्रूवमेंट का है सेंटेंस, री इम्प्रूवमेंट, और तो कुछ नहीं है। डिवाइड इन द टू, आइडेंटिफाई द कनेक्टर जॉइन द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ये कर लेते हैं, ये सही है। द कस्टमर वॉज डिसप्लेस्ड विद अ मील। वेयर इज द शेफ प्रिपेयर्ड ए रिप्लेसमेंट, अदरवाइज सी आना चाहिए आई थिंक, या फिर हैंस। आगे देखते एक बार, कोई और नहीं क्या? ऑल दीज पीपल हैड बीन देयर फॉर हर सिंस व्हेन, सिंस, या फिर येट, येट होना चाहिए, येट व्हेन टाइम ही खत्म हो गया भाई। सो अभी हमारा है नेक्स्ट सेक्शन जो कि क्वांट है, वो टोटल वैल्यूएशन दे रखी है पाई की 150। ठीक है, तो 150 है तो निकाल दिया जाएगा, ये तो इजी होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज प्रोड्यूस बाय सी, ए बी और सी, ये हो गया 65% ऑफ द टाइप ऑफ टाइप वाई, एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ टाइप एक्स एंड टाइप वाई बैटरीज, टोटल वैल्यू ऑफ पाई बैटरीज। ठीक है, देखते हैं अब हम, 65% ऑफ वाई हो गया, हाउ मैनी एक्स बैटरीज, तो 1, 2, 3 सी हो गई ये, वो 15, 2, 30, 30 तो ये हो गई, 30 का अगर ये एवरेज है तो टोटल होंगे 60, 60 का हमें निकालना है 35%, 3/5, और इधर आएगा 7, 7 ये 21 आ जाएगा। फाइंड 25% ऑफ द टोटल बैटरीज प्रोड्यूस इन कंपनी, ए हो गया हमारा 18, डी और ई, डी हो गया 16 और ई हो गया 24, तो 20, 20, 40, 50, 58% ऑफ 3/2, और यहाँ पर आएगा 29, 9 दिया 6 से करते हैं सीधा सा, 29 × 6 इंटू हमें करना है 25, 1/4 करना है सीधा, 3/2, और यहाँ से अब हम करेंगे 9 × 27, 7 × 2, 3 × 6 = 8, 4, 3 point ये आना चाहिए ना, 9 × 27 का 7, 2, 3 × 6 = 8 नहीं आया, लेकिन 58 इसका हमें 6, क्या कर दिया मैंने, ए है 18, डी हो गया 16, 24, तो 20, 20, 40 और 50, 58, 58 × में 3/2, ओ 2, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 का 7, 2 × 3 × 6 = 8 इंटू में 2 करेंगे तब ये टोटल आएगा, और इसी का हमें निकालना है 1/4 यानी कि 2, 43.5 ही आ रहा है मेरा तो, यानी कि नन ऑफ दीज ही आएगा फिर इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइप एक्स एंड टाइप वाई बैटरीज इन 24 × 3/2, 12, 12, 36, 36 × 72, इनमें से एक्स और वाई होगा। इफ द नंबर ऑफ वाई बैटरीज आर 80% ऑफ द, वाई जो है 80% है एक्स के, तो 9, 9 गया 8 पर, इंटू 8 करेंगे, तो पूछा क्या है इसने, क्या गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो डिफरेंस हमें बताना है, तो एक का ये सिर्फ 8 ही आएगा।
टाइप एक्स बैटरीज प्रोड्यूस बाय ए आर 1% मोर देन द वाई, द रेशियो ऑफ द एक्स एंड वाई इन ए 18:3/2, 9:27, 27:54, 9:6 आ गया, 6:5, 30, 6:24, एक्स बैटरीज आर 1% मोर, तो 6 1/4 25% हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ टाइप एक्स बैटरीज प्रोड्यूस बाय एक्स बैटरीज जो कि है प्रोड्यूस बाय बी इज 30, सो 22 यानी कि 11 3 33 66 हो गया। इसमें से एक्स और वाई, एक्स जो है 31 है, 3 5 और 3 35 ही हो गया। रेशियो ऑफ द वाई बैटरीज प्रोड्यूस बाय बी, तो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द बैटरीज प्रोड्यूस बाय बी यानी कि आएगा 4:35। फिर से गलत, 4 ही तो आएगा, ये 31 अगर ये हो गया तो 35 होगा ये। इसमें बोथ द बैटरीज प्रोड्यूस बाय बी डिफरेंस वही 4 ही आएगा, ये तो सही है। ये देखते हैं इंटू 2 + 0.5 और इधर इंटू 3 - 1.5 इंटू 5। एक सेकेंड, इंटू 5 हो गई ये, फिर इंटू ये किया 1 2 3 4 5 6 7 हुआ इधर 2 3 5 7। अगर ये सही चल रहा है तो इधर ही गड़बड़ है, यानी 0.5 ये नहीं आएगा इधर, +15 + 30 = 45 + इधर से हुआ भाई 55, ये गलत हो गया इधर शायद, फिर प्लस इधर 60 होना चाहिए था आई थिंक, 50 60 70 80, क्योंकि ये भी गलत हो गया, इधर 60 आ गया इधर 75, तो 1 2 3 तो सही है, 1 2 3 सही है, इधर 3 के बाद 270 में गड़बड़ है। इधर इंटू 4 × 5 हुआ, फिर इंटू 6 × 7 12 7, ये गलत हो गया इधर 4 5 6 +5 2 + 40 लगा लेते हैं 30 36 हो गया, फिर +25 इधर 24 इधर 5 4 9 4 49 5 6 7 हो गया, फिर यहाँ से +4 and 6 फिर +1 6 7 8, ये भी सारा सही चल रहा है, यानी कि लास्ट वाला ही होगा जो गलत होगा। 2 4 4 8 9 / 4 × 20 9 5 45 +18 9 + 8 9 2 18 8 2 16 3 × 4 4 12 हो गया, 5 2 7 4 5 = x +5, तो 52 आएगा इसका आंसर। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कैसे रह गया, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 5 आ गया और फिर 11 में से 7 और 1 8 आएगा, यहाँ से आएगा 1, फिर माइनस के इसने 3 और यहाँ 15 3 18 हो गया, फिर माइनस किया 12 में से 9 और यहाँ पर बचा 34 134 और 118 इधर है 14 15 16 160, फिर माइनस किया इधर से 13 में से आ गया 8 और इधर बच गया 17 7, तो 14, फिर माइनस 0 और 9 10 11 और 1 12, फिर माइनस 5 7 और 1 8, तो भाई इसका अगर बन क्या रहा है, इसमें 1024 917 28 15 13 69 हो सकता है वैसे वो भी, लेकिन 20 30 35 8
दो, एक और दो, सात की टेबल चल रही है, ठीक है ये भी। अब इधर कितना हुआ है, 11, 12, 13 और 1, 14, इधर 7 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो फर्स्ट वाला ही है हमारा जो गलत होगा। 68, 8, 2, 16, 4 आ गया, 4, 14, 56 और 14, 9 कितना होता है, 126, 6, 2, 12, 5, 8, 182, यहाँ से 35, 25, 34, 12, 12, 625, 0, 5, 8 और 1, 300 गया, तो 1550, 310, इधर 35, 1/10 + 18, 5, 90, 900 आ गया, इक्वल्स टू 0, 7, 5, 35, 3, 6, 5, 30, 33 आ गया, यहाँ से 900 जाएगा, 0, 5 और 6, 24 आ जाएगा, ठीक है ये कैंसिल हो गया, और 24 आने के बाद ये कटेगा तो नहीं यार कुछ कर बस, 6, 7, 0, 5, 0, 7, 5, 35, 3, 6, 5, 30, 33 हो गया, और 18, 5, 90 ही होता है, नौ सौ यहाँ से जाएगा, 300 तो वैसे गया, ठीक है 6 जाएगा तो 24 बचेगा, 3, 5 का 7/2, 7 × 2 आ गया, 7, 21, 7, 5, 35, 0, 35, 70 आएगा, 700, ठीक है 6 और 0 हो गया, 1 उधर जाएगा, 6, 6, 10 और 11, फिर 1 बचा, 2, 8, 2, 10 और 11, 1 बचा, 3 और 12, 7, 84, 84 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 7, 30, 28, 2, 2, यही तो आना चाहिए, यहाँ से देखते 90 हो गया, 290, 310, 1 और 311 हो गया, 84 करेंगे तो 7 तो आएगा ही आएगा, 227 ये रहा ना, दिखाई नहीं, √x/35 −28/7/2, 14 इक्वल्स टू 561, और यहाँ पर होगा 17, 7, 5, 12, 6, 7 और 1, 8, 1 और ये माइनस का है ना, ठीक है 7, 14, 7 × 28, 2 और 7, 8 और 1, 9, फिर यहाँ से इसको 2 ऐड कर दें, 0, 9, 2, 18, 2, 35, 7 × 28, 7, 5, ये आ गया 8, 8 का करेंगे 64, 20 × 2, 4, 2, 2, 4, 0 माइनस 15 × 60, 60 + 25 × 5, 125, 125 ये माइनस का 20 करेंगे तो 105 आएगा, 12 × 2, 30 + 3x इक्वल्स टू 8, 3 = 24, 2, 3 × 2, 6, 7, 8, यहाँ से जाएगा 30 तो 4, 5 और ये आएगा 1, 8, 18, अब ये क्या दे रखा है हमारे को, टोटल नंबर ऑफ बुक अवेलेबल और नंबर ऑफ बुक्स इशू, इशू और नॉट इशू, ठीक है ए बी सी डी और ई, ये तो हो गया इशू और नॉट इशू, इशू वाली है इधर है 400, तो 400 में से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 840 ये है, 400 का तो 440 आ जाएगी, ये यहाँ से है भाई 380,
300 सी होगी, 700 ये है, 700 में से 300 सी जाए 400 गया तो 320 बच गई सीधी सी। इधर है टोटल है भाई 980 और ये है 500 तो 480 बच गई, 480 और 500। इधर 20 40 कम है 460, टोटल है 920, 460 जीरो, 12 में 6 गए 6 8 460 डबल है सीधी सी। और इधर है भाई एक ही ज़्यादा है ना, एक दो तीन चार आई थिंक ये भी होना चाहिए इसका 760 है या फिर कितना ये, या तो 780 होगा या फिर बीच में है ये, तो इसका मतलब 30 कम करेंगे तो 760। और ये है हमारे पास एक और एक दो कम है 380, 380 होगा ये तो 380 होगा ही होगा, यहाँ से 380 होने के बाद 00 या तो ये 400 होगा या फिर 16 में से 8 गया 8 3 380 होगा। ठीक है दो ही केस होंगे, वो देखते हैं। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ बुक नोट इशू लाइब्रेरी डी 460 टू द नंबर ऑफ बुक इशूड सी, सो 23 और 25। नोट इशूड इन डी 460 है ये तो, टू द नंबर बुक इशूड इन सी, सी में इशू ये 500, ये होगा 25 हो गया इधर और 23 हो गया इधर, 25 और 23 नन ऑफ दीज। नोट इशूड इन डी दोबारा देख लेते हैं एक बार, 20 40 यहाँ से कम है तो 460 हो गया, ये 920 था, ये हाफ हो गई सीधी सी, ये तो आ गया इतना। फाइन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक इशूड इन लाइब्रेरी ए और डी टुगेदर, बुक इशूड ए और डी 860 और द नंबर ऑफ बुक नोट इशूड ई और डी, ई हमारा और डी ये है आई थिंक यही होना चाहिए 0 8 हो चाहे 14 8 20 आएगा। और अगर ये देखें 0 6 और 8 तो फिर आएगा 0 और 0 है तो यही होना चाहिए आई थिंक, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। द नंबर ऑफ बुक नोट इशूड बी ओ डी, नोट इशूड बी ओ डी, बी ओ डी कितना है 087 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर बुक अवेलेबल इन बी, बी में हमारी कितनी है 700 है, 20 थी वैसे भी कट जाएंगी, अप्रोक्सीमेट आना चाहिए फिर ये। सात एकम एक एक बी ओ डी, बी ओ डी जीरो नोट इशूड बोला है ना, बी ओ डी 087 कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, बी में जो है बुक इशू ये 700 है, 700 में से 380 गया यही आएगा, और डी में है 910 है ये, सो 910 है भाई डी में, 910 में से 480 जीरो, एक में से एक हो गया तीन, यहाँ से आठ आएगा 430 आएगा, फिर ये है ये आएगा क्या 460 आएगा सॉरी, चार और एक पाँच 45 आएगा, फिर ये 077 तो 110 आएगा, ये सही है। इसका मतलब ये भी मैंने गलत कर दिया था, शो द नोट इशूड इन 450 टू द बुक इशूड 500 हो गया तो 9:10 ये आएगा, नोट इशूड बी ओ डी, नोट इशूड बी ओ डी 077 ये तो हो ही गया। डिफरेंस बिटवीन द बुक इशूड ए और डी 068 और
to the number of note issued E or D 058, यानी कि 10 आना चाहिए फिर, ओ या फिर 054, आठ पाँच 13 4 4 8, ठीक है 30 आएगा। क्या कर दिया मैंने, ई और डी बोला है ना, ई और डी ये है 0 5 और 8, तो ये हो गया, तो 10 आना चाहिए फिर इनका आंसर। कोई और भी तो रहता है क्या, द टोटल नंबर ऑफ बुक अवेलेबल एफ इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक अवेलेबल डी और ई, डी और ई में भाई कितने हैं, डी में है 910 और ई में है 10, 30 कम है तो 770, 0 8 9 6 16, और ये हो जाएगा 8 4 और 0 एफ में। द नंबर ऑफ बुक इशूड एफ इज 20% मोर देन द टाइम, ही ओवर हो चुका है अभी तो, बहुत ज़्यादा कम। अभी देखते हैं, 9 बॉक्सेस हैं जो कि 9 बॉक्सेस वन अबाउट अनदर, और ई इज 4 प्लेसेस बिलो 1 2 3, बिलो एच 1 2 3, ई हो गया, ओनली वन बॉक्स ई और जी, आई इज कैप्ट 3 बॉक्सेस अबो जी 1 2 3 हो गया 1 2 3, एज मैनी बॉक्स बिटवीन एच एंड आई उतना ही डी और ई में होगा, और विच इज़ ई इज़ कैप्ट अबो डी, ई जो कि अबो होगा डी से। अब एच और आई में है एक साथ है, डी और ई, ई अबो होगा, ये हो गया एच और आई, एक दो टोटल है 9, ये एफ इज़ इमीडिएट बिलो सी, एफ इज इमीडिएट बिलो सी, ये काट देते हैं, ओनली 2 बॉक्सेस कैप्ट एफ और ई और एफ, बी इज कैप्ट अबो ए, बी इज कैप्ट अबो ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हैं, तो 2 हम सिर्फ इधर ही बना सकते हैं सी और एफ, सी और एफ में अगर ए में 2 का गैप है तो बी हमारा ऊपर आ जाएगा, बन गया बॉक्स 3 बॉक्स बिलो बी 1 2 3, एफ आ गया। एस मैनी बॉक्स अबो ए बिलो सी, सेम है, विच ऑफ द इफ द बॉक्स विच आर कैप्ट बिलो आई हैव गोल्ड इन इट एंड द बॉक्स कैप्ट अबो आई have silver, then how, which, then which of the following pair have both gold and silver, A or D, B or E, B or E आएगा एक तो, पहला है नहीं, दूसरा H or F भी नहीं आएगा, only second आएगा इसका आंसर। What is the position of box F with respect to E? 1 2 2 boxes above. How many boxes are kept between C and D? 1 2 3 4 5. Unknown person का है, ये बना लेते हैं linear of facing north. Only 5 person C and F. C और 1 2 3 1 2 3 4 5, सी और पी हो गया 1 2 3 4 5, सी और पी, जेड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड 1 2 3 हो गया 1 2 और 3, ओनली 3 पर्सन जेड एंड के 1 2 3, 1 2 3, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन K एंड P, उतने ही P और A में होंगे, K P P और
ये हो गया एक दो. ओनली टू पीपल सिट ए एंड आर. ओनली टू पीपल सिट ए एंड आर. आर हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी. इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी. एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह. इफ क्यू इज सिट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड सी. पी और सी के एक दो इधर बैठता है अगर क्यू. स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द फाइनल ओनली वन पर्सन जेड एंड सही है. आर सेवन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये भी सही है. एज मैनी क्यू और के. क्यू और के में एक है उतना ही के और ए में. ये भी सही है. ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू सही है. एज मैनी पीपल सिट ए एंड के. एक है सिट टू द राइट ऑफ जेड. नहीं ए एंड आर एक दो और राइट ऑफ सी ये गलत हो गया. ए और एफ एक दो तीन चार पाँच. राइट ऑफ के एक दो तीन चार पाँच ये भी गलत हो गया. ए और डी एक दो तीन और राइट ऑफ आर ये भी गलत हो गया. ए और सी यही बचा है फिर. ए और सी एक दो तीन चार पाँच छ. राइट ऑफ के तीन तीन छ सही है. बी इज़ 10 मीटर टू द साउथ. बी हो गया 10 मीटर साउथ ऑफ ए एंड 7 मीटर टू द ईस्ट ऑफ सी. डी इज 3 मीटर वेस्ट और डी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ ई एंड डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी. डी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ ई हो गया. फिर एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई. एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई हो गया. और जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एच एंड 6 मीटर वेस्ट ऑफ एफ. जी 6 मीटर वेस्ट. ये है तीन है तीन तीन छः हो गया. जी इज 6 मीटर एंड जी इज 4 मीटर नॉर्थ. तीन है जी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एच आ गया. इफ जेड इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ यानी कि जेड इधर आता है. द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड बी. जेड एंड बी योग 6 4 10 सेम एज द जी ओ ए और बी होगा. फिर ये शॉर्ट है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू बी की विद रिस्पेक्ट टू एफ. तो तीन चार पाँच होगा. पाँच टू द ईस्ट बी का साउथ और सही है. 8 पर्सन है जो कि ये है एंड द डाइजेशन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. डी जी पी ए डी जी पी आई जी डी आई जी एस पी ए एस पी डी एस पी एस आई. ठीक है ठीक है. एच इज 3 पर्सन सीनियर टू सी. सी हु इज जूनियर टू एस पी. एक दो जी ये हो गया. एज मैनी पर्सन सीनियर टू बी एज जूनियर टू. सीनियर टू बी जूनियर टू ये हो गया. ओनली 1 पर्सन बी और ई. बी और ई में एक ए इज सीनियर टू द डी. ए इज सीनियर टू डी बट ए इज जूनियर टू एफ. एफ हु इज नॉट वर्किंग. ठीक है सो सी हु इज जूनियर टू एस पी जूनियर हो गया. जी इज इमीडिएट. जी हु इज जूनियर इमीडिएट जूनियर टू सी. तो जी आएगा हमारा इधर. ये वैसे ही ख़त्म हो गया. अब जी और बी था. जी और बी हो गया. बी और ई में एक का गैप है. बी और ई हो गया. ये भी ख़त्म बी और ई भी ख़त्म.
और एफ हु इज नॉट वर्किंग डी जी पी, डी जी पी एफ इधर नहीं आएगा, तो एफ ए ओ डी ये गलत, ये बन गया हमारा। ए एस पी कौन है, ए एस पी हमारा डी। फिर है एज मैनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड ई जूनियर टू, गलत हो गया। बी एंड एफ एक भी नहीं है, जूनियर टू ये भी नहीं है। बी एंड एच दो, सीनियर टू ए ये भी गलत। बी एंड एच बी ओ डी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ये सही है एकदम। एक सेकेंड का इस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली, तो बी जो है ये गलत है हमारा। एच एस पी, एच एस पी गलत है। सी जी ई ही बचा है, फिर आई जी। एफ इज रिलेटेड टू डी आई जी एक छोड़ करके है, डी रिलेटेड टू एस आई हो गया, एच इज रिलेटेड टू, एच इज रिलेटेड टू ए एस पी हो जाएगा। फिर ऑल द पर्सन सीनियर मोस्ट जूनियर मोस्ट हाउ मेनी मीन्स द सेम, सो स्टार्टिंग है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक भी नहीं आएगा नन। पेयरिंग का है तो डी आ जाएगा, फोर फाइव नाइनटीन सी थ्री आर एटीन आई नाइन बी टू ई फाइव, चार पाँच छ सात आठ नौ, पाँच छ सात आठ नौ। फिर ये बनेगा नहीं, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच बनेगा नहीं। फिर अठारह ये भी नहीं बनेगा, नौ का भी नहीं बनेगा। दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार ही हैं सिर्फ। इसको स्किप करते हैं। हाउ मैनी सच लेटर्स इमीडिएटली प्रिसेडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय सिंबल, लेटर तो सिंबल देख लेते हैं, सिंबल लेटर और कॉन्सोनेंट, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट एक, सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट दो, सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट तीन, सिंबल लेटर कॉन्सोनेंट चार, चार बने हमारे, मोर देन थ्री हो गया। हाउ मैनी लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वन टू थ्री फोर फाइव ई हो गया जिसका पाँच, एंड द लेटर नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यू, यू का होता है 23, 18, तो 17 आएगा इसका आंसर। द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज रिटर्न, फर्स्ट हाफ अब कितना होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 होंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, यानी कि ये वाला एरो वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवंथ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवंथ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो भाई एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात तो ये हो गए। अब सात के बाद थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड, वन टू और थ्री प्लस आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑल द वोवल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, सिंबल से पहले वोवल किस किस में है, सिंबल वोवल होगा 15, सिंबल वोवल यू 23, सिंबल वोवल ए हो गया, वन पाँच तीन आठ और एक नौ, दो और एक तीन 39, 39 हुआ ना मेरा, तो यू पी क्यू आर एस
U21 होता है यार, ये होता है 21, 5 6 7 37 आएगा, यानी कि ये वाला भी 1 होगा, 15 16 या कितना आएगा, 17 और 5 5 12, नहीं एक सेकेंड, 17 नहीं आएगा इसका, आएगा 5 जाएगा तो बचेगा 16, यानी कि 15 आंसर आएगा इसका। सॉरी, एंड अभी देखते हैं, 8% इज सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल टेबल फेसिंग द सेंटर, 4 5 6 7 8, 7 8 हो गया, 2% डब्ल्यू और वी, डब्ल्यू एंड वी, टी इज इमीडिएट राइट ऑफ वी, टी हो गया इमीडिएट राइट ऑफ वी, द वन हु फेसेस टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, द वन हु फेसेस टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हो गया, आर थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट जो है, एज मैनी पर्सन आर एंड पी और पी और यू, आर पी और यू, आर पी और यू इधर ही बन सकता है, अब आर पी और एक छोड़ के यू इधर ही आएगा, 1% यू एंड एस, यू एंड एस ये बन गया, ये गलत, सेकेंड टू द राइट ऑफ एस वी, सर्टेन टी और पी हो गया, एक का गैप, ये भी एक का गैप, वी और आर में भी, यू और आर, एस और वी, सही है, इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ओनली, नो वन सीट, आर ओ टी द काउंट टू द लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट गलत हो गया, यू और वी फेसिंग, यू और वी फेसिंग ये सही, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, 1 2 3, ये भी गलत है, ठीक है, ये पी और वी, पी और वी इंटरचेंज करते हैं, और सिमिलरली टी और एस, टी और एस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3 वी आएगा, एस हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू और एस लेफ्ट ऑफ एस, कोई भी नहीं है, जल्दी से करते हैं क्वेश्चंस, ओनली फ्यू चॉकलेट स्वीट ऑल स्वीट टेस्टी ओनली सम मिल्क शेक, नो मिल्क शेक स्वीट नहीं बता, ऑल चॉकलेट कैन नेवर बी टेस्टी, ऑल चॉकलेट कैन नेवर बी टेस्टी, गलत चीज़ है ये तो, हो सकता है क्योंकि, तो नाइदर नोर डी आएगा, ऑल सोफा चेयर ओनली फ्यू सोफा टीवी नो चेयर टेबल, सम टीवी इज नॉट, सम टीवी इज नॉट, सही है, ऑल चेयर बिंग टीवी, ऑल चेयर बिंग टीवी, ऑल चेयर कभी भी नहीं हो सकता, ओनली वन आएगा इसका, सम वुड प्लास्टिक ऑल प्लास्टिक ग्लास एंड ओनली फ्यू मेटल ग्लास, ओनली फ्यू मेटल जो का ग्लास, ऑल मेटल कैन बी प्लास्टिक, मेटल कैन बी प्लास्टिक, ऑल मेटल नहीं हो सकता भाई, ठीक है, नो वुड बिंग मेटल, नो वुड बिंग मेटल इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही है, इफ ऑल द डिजिट्स आर एडिड विद इन द नंबर देन रिजल्ट इन द प्राइम नंबर, सो 9 6 15 गलत, 8 9 14 गलत, 9 और 16 गलत, 10 15 ये भी गलत, 10 17 ये आएगा, 719 वाला एक, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन सेक डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 8 5 1 7 6 3 8 5 2 9 7 1, वट इज़ द सम ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर, सेकेंड हाइएस्ट, तो सेकेंड हाइएस्ट है 9 4 2 एंड द लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट कौन सा है, ये वाला होगा 7 6 3 5 0 17 17 0 5, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज देन द सेकेंड एंड द 1 2 3, फर्स्ट एंड द थर्ड इंटरचेंज एंड देन सेकेंड एंड थर्ड,
थ्री वन हो गया और फिर थ्री इधर ही रहा, वन और टू, थ्री वन टू कर दिया, हाउ मैनी डिवाइड बाय थ्री, तो थ्री का डिविजिबल तो निकालना आसान ही है। पंद्रह पंद्रह किस में बना था, अच्छा पंद्रह एक, नो इधर नहीं बनेगा, दस सोलह नहीं बनेगा, तो यहाँ पर दस पंद्रह एक हो जाएगा, वो दस और सत्रह इधर नहीं बनेगा, दो ही होंगे सिर्फ। कोड बताना है, कोई छोटा वाला नहीं है क्या, तो ये बताना मैरिज एक, मैरिज का सिर्फ इसी में है, एस हो सकता है, डी एफ जे के एंड जी एच ये होंगे नहीं, कैंडिड एक सिर्फ इसी में है, तो जेड और एक्स हो सकता है, सी और वी भी हो सकता है, डी एफ एंड ओ पी ये नहीं होगा, जेड एक्स हो सकता नहीं हो सकता, ए एस और सी वी, इसका बताना है, जे और के, जे एंड के है इसमें, लव लाइफ, लाइफ हो गया, जेड और एक्स का एक और एक दो, पिक्चर लाइफ पिक्चर, और फिर है क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू कहाँ है क्यू डब्ल्यू, एक ये रहा, तो लव लाइफ ऑलवेज हैप्पीएस्ट, ये आइदर और का बनना था वैसे तो, लेकिन जो भी है मॉक टेस्ट बड़ा ही ख़राब गया है, मार्क्स आई थिंक 60 के आसपास होंगे मेरे, इससे ज़्यादा तो मुझे लग भी नहीं रहा कि 70 की लाइन में होंगे, मुश्किल ही है। सो रिज़ल्ट देख लेते हैं यहाँ से अभी, लग ही रहा था मुझे 66 ही स्कोर आया है, एनालिसिस में देखते हैं कितनी परसेंटाइल आई है। सो इंग्लिश में जो मेरा स्कोर है 14.25, न्यूमेरिकल एबिलिटी में गलत हो गया, रीजनिंग में जितने किए सारे सही हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा ले गया, मैं पूरे हो सकते थे क्वेश्चन रीजनिंग के वैसे, क्वांट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर दी मैंने एक तो, अभी ये देख लेते हैं एक बार और फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। अरे इतने स्कोर पर भी परसेंटाइल जो मेरी आई है 95, रैंक भी काफ़ी सही है, आई थिंक इसमें था ही थोड़ा सा मुश्किल, है ना, क्वांट मैंने गड़बड़ कर दी, वरना क्वांट में तो मैं और बेटर कर सकता था। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके सो बाय बाय, थैंक यू।